नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से निफ्टी ने आज 300 पॉइंट की बढ़त करी है। जी हां, आज निफ्टी 300 पॉइंट पॉजिटिव हुआ है, और जो ये पॉजिटिव हुआ है उसका कारण क्या था दोस्तों, उसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा जो आज हमने जो स्टॉक आपको रिकमेंड करे थे टेलीग्राम चैनल पे, उनमें आज क्या हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो जो है पूरी तरीके से एजुकेशन है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जोड़ दिखेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी हम आगे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो चलो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और सबसे पहले हम लेके जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि जो भी हम पोस्ट करते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे करते हैं। बट पहले मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी के बारे में आपको बता देता हूँ। निफ्टी का जैसे कि मैंने अभी कैश मार्केट का चार्ट लगाया हुआ है, तो कैश में निफ्टी ने जो क्लोज करा है वो 9317 के आसपास करा है, 9320 के आसपास क्लोज करा है। पहले जब निफ्टी की ओपनिंग हुई थी तो उसके बाद निफ्टी 35 पॉइंट माइनस भी हो गया था, बट 35 पॉइंट्स माइनस होने के बावजूद भी निफ्टी ने 300 पॉइंट की बढ़त दिखाई। अब इस बढ़त का कारण क्या था, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि मार्केट में आप कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी चैनल देखेंगे या किसी भी एनालिस्ट से बात करेंगे, तो वो यही बता रहा है कि भाई निफ्टी में मंदी है, निफ्टी में बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, निफ्टी 5500 आने वाला है, निफ्टी 6000 आने वाला है। उस वजह से लोग क्या कर रहे थे, अपनी पोजीशंस ज्यादातर सेलिंग की बना रहे थे। और सबसे ज्यादा अगर आप बात करेंगे ऑप्शन चेन में भी देखेंगे तो निफ्टी में लोगों ने पुट्स ज्यादा बाय कर रखी थी, निफ्टी की पुटे लोगों ने ज्यादा बाइंग कर रखी थी। आप देखेंगे कि आप किसी को भी देखिए, किसी भी एनालिस्ट को फॉलो करें, वो यही बोला कि निफ्टी की पुटे खरीद लो, निफ्टी बहुत ज्यादा गिरेगा और निफ्टी बहुत अच्छा पैसा देके जाएगा। एक तो ये रीजन था कि हर कोई आदमी क्या कर रहा था, निफ्टी की पुटे खरीद रहा था। और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे कि निफ्टी के 9000 रुपए के रेट पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा था, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि 9000 के नीचे तो निफ्टी जा ही नहीं सकता था। और 9000 पे जब ओपन इंटरेस्ट इतना ज्यादा था और लोग जब अपनी पुटे बाय कर रहे थे उस रेट पे, तो वही एक रीजन था कि वहां से निफ्टी में इतनी बड़ी एक चाल देखने को मिली। अब यहाँ पे मैं दोस्तों एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अपनी सैटरडे की वीडियो में भी आपको बताया था कि भैया कई लोग ये कह रहे हैं कि निफ्टी खत्म हो जाएगी, निफ्टी में कुछ नहीं है, मार्केट 4000 जाएगा, मार्केट 6000 जाएगा। तो सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में निफ्टी शॉर्ट ही बन रही थी। तो सबसे ज्यादा लोग क्या कर रहे थे, जब भी मार्केट में तेजी आ रही थी निफ्टी शॉर्ट कर रहे थे, फिर से तेजी जा रही थी निफ्टी शॉर्ट कर रहे थे। इसका एक रीजन ये हुआ कि निफ्टी ने आज 300 पॉइंट की बढ़त दिखा दी। अब एक चीज और है दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अभी जो निफ्टी में 300 पॉइंट की तेजी हुई है, और जो लोग निफ्टी को शॉर्ट करके चल रहे थे उनका लॉस का सबसे बड़ा कारण ये था, क्योंकि उन्होंने मार्केट को लेकर अपना एक व्यू बना रखा था कि निफ्टी कभी ना कभी तो 5000 जाएगी, कभी ना कभी तो 6000 जाएगी। और मैंने सैटरडे वाली वीडियो में भी एक चीज बताई थी कि भैया मार्केट में कोई कुछ भी बोले, बट आप क्या करिए, अपनी पोजीशन बाय करके चलिए, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छी तेजी आ सकती है। तो हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक बनिए, निफ्टी स्पेसिफिक मत बनिए। तो ये एक रीजन था कि निफ्टी में आज एक बहुत बड़ी एक चाल देखने को मिली, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, और वो भी एक्सपायरी से एक दिन पहले। क्योंकि सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है वो राइटर्स को हुआ है, जो निफ्टी की कॉल्स बेच के चल रहे थे। तो जो लोग निफ्टी की कॉल्स को बेच के चल रहे थे, जो राइटर्स थे, उनको मार्केट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। तो दोस्तों एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हेजिंग के साथ काम करिए। अब दोस्तों बात करते हैं टेलीग्राम चैनल के, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको लेके जाता हूं और बात करूंगा कि आज के दिन हमने कौन से स्टॉक रिकमेंड करे थे। तो हमने भी आज अपनी कुछ पोजीशन शॉर्ट में बनाई थी, कुछ पोजीशन बाइंग में बनाई थी। तो बात करते हैं दोस्तों पहले कल के बारे में। कल एक स्टॉक हमने आपको रिकमेंड किया था, वो था एक्सिस बैंक, और आपने देखा होगा कि एक्सिस बैंक में सबसे ज्यादा तेजी आई है। तो कल के चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भैया एक्सिस बैंक को बाइंग करके चलिए, क्योंकि एक्सिस बैंक में एक पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं दोस्तों बुलिश हैरामी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे एक्सिस बैंक में पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं बुलिश हैरामी। तो मैं एक्सिस बैंक के चार्ट पे जाता हूँ और एक्सिस बैंक के चार्ट पे ही दोस्तों आपको समझाता हूँ। तो जल्दी से जाते हैं एक्सिस बैंक के चार्ट पे और एक्सिस बैंक के चार्ट पे ही समझेंगे। और हमने देखा कि एक्सिस बैंक में आज जो हाई बना है वो कितना बना है, 390 रुपए का हाई बना है। दोस्तों यकीन मानिए दोस्तों 390 रुपए का हाई बना है, और जो हमने बाइंग बताई थी वो 342 रुपए के आसपास बनाई थी। हालांकि हमने ही बाय करके 353 के आसपास निकल गए थे, बट वहां से निफ्टी में 50 पॉइंट की तेजी आई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पहले इसको थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ, चार्ट पे जाता हूँ इसके और चार्ट पे ही आपको समझाता हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे एक्सिस बैंक का चार्ट है, ये मैंने लिख दिया एक्सिस बैंक, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्सिस बैंक। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों एक्सिस बैंक का चार्ट है, और यहाँ पे दोस्तों एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं बुलिश हैरामी।
तो कल के दिन भी हमने बोला था कि एक्सिस बैंक को बाय करके चलिए, और हमने जो इसका टारगेट दिया था दोस्तों वो दिया था कुछ 360 रुपए के आसपास का, 355 से 360 रुपए का हमने टारगेट दिया था। बट दोस्तों हुआ क्या, आज एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा चला। एक घंटे में तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एक ही घंटे में एक्सिस बैंक में 30 पॉइंट्स की दोस्तों मूवमेंट आई थी। यहाँ पे देखेंगे एक ही घंटे में जो कैंडल देख रहे हैं कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, 30 पॉइंट की कैंडल थी, 30 पॉइंट्स यहाँ पे इस स्टॉक में दोस्तों देखने को मिले थे एक ही कैंडल में। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सिस बैंक में पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं बुलिश अलाइनमेंट, बट हम यहाँ पे निकल गए थे 353 के आसपास। हम यहाँ निकल गए थे क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि भैया ये 390 रुपए तक जा सकता है, बट दोस्तों आज हमें एक्सिस बैंक में अच्छे पैसे मिले। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक के बारे में जो हमने आपको रेकमेंड करे थे, तो मैं उन स्टॉक्स के बारे में लेके जाता हूँ और बताता हूँ। पहला स्टॉक हमने आपको बताया था अमर राजा बैटरी, तो अमर राजा बैटरी के अगर चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक जो है पूरे दिन उसी रेट पे ही खड़ा रहा। अमर राजा बैटरी 604, 606, 607, 608 वहीं पे ही खड़ा रहा, कोई खास मूवमेंट नहीं हुई, इसमें स्टॉप लॉस नहीं कटा था। दूसरा स्टॉक दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ आज के दिन, और आज के दिन ही आपको बताता हूँ। गोदरेज का स्टॉक था जो हमने बताया था 572 पे कि आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं बेरिश रैमी, और इसके साथ साथ एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं डबल टॉप। अब यह समझने वाली बात है जो दोस्तों आपको समझनी है, यहाँ पे मैं इसके चार्ट पे लेके जाता हूँ और यहीं पे आपको समझाता हूँ। तो गोदरेज के चार्ट पे मैं लेके जाता हूँ आपको, और यहाँ पे मैंने अवर्ली का चार्ट लगाया है। अब आप देखिए दोस्तों, जब मैंने अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाई थी यहाँ पे देखेंगे, मैंने 573 के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया था, किसको, गोदरेज के स्टॉक को। अब हुआ क्या दोस्तों कि जब मैंने शॉर्ट किया था तब जो निफ्टी है, यहाँ पे बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा, जो निफ्टी है वो 35 पॉइंट्स क्या थी, माइनस थी। यहाँ पे देखेंगे 35 पॉइंट निफ्टी उस टाइम पे माइनस थी, इस बात को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद निफ्टी में 300 पॉइंट की तेजी आ गई, 300 पॉइंट्स की तेजी आ गई। अब इस हिसाब से तो दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस कट जाना चाहिए था, अगर बात करें तो मेरा स्टॉप लॉस कट जाना चाहिए था, बट मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटा। इसने जो हाई लगाया वो सिर्फ 580 तक लगाया, और बाद में दोस्तों ये क्लोजिंग के टाइम पे इसने जो लो बनाया था वो बनाया था 572 के आसपास, यानी कि जिस रेट पे मैंने बेचा था उस रेट पे ही दोस्तों आ गया था, और निफ्टी वहां से 300 पॉइंट प्लस हो गई थी। इसलिए मैं दोस्तों बार बार आपको समझाता हूँ कि निफ्टी स्पेसिफिक मत बनिए, स्टॉक स्पेसिफिक बनिए, क्योंकि स्टॉक ही आपको पैसा देके जाएगा। अगर स्टॉक में पैटर्न बना है तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली काम करिए, ये नहीं कि निफ्टी प्लस है तो मैं स्टॉक खरीद लेता हूँ, निफ्टी माइनस है तो मैं स्टॉक बेच देता हूँ, इस तरीके से काम मत करिएगा। तो दूसरा स्टॉक मैंने गोदरेज का बताया था, तीसरा मैंने बताया था एचडीएफसी लाइफ के बारे में। एचडीएफसी लाइफ में भी एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार, तो मैं इसके चार्ट पे जाता हूँ और इसके चार्ट पे दोस्तों आपको समझाता हूँ। एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक पे लेके जाता हूँ, और यहाँ पे देखेंगे कि एचडीएफसी लाइफ ने जब हमने बताया था कि अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाइए, तो इसका जो दोस्तों रेट चल रहा था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका रेट था 502 रुपए के आसपास, 502 के आसपास एचडीएफसी लाइफ का रेट चल रहा था। और उसके बाद दोस्तों इसने जो लो बनाया, कितना बनाया लो, यहाँ पे देखेंगे 495 का इसने क्या बनाया, एचडीएफसी लाइफ ने लो बनाया, और हमने आपको बोला था 503 के आसपास कि आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बनाइए, तो यहां से भी इसमें 8 रुपए मिल गए थे, और क्लोजिंग भी जो दोस्तों इसके आई है 498.90 के आसपास आई है, यानी कि देखिए निफ्टी 300 पॉइंट प्लस हुआ, बट एचडीएफसी लाइफ ने स्टॉप लॉस नहीं काटा बल्कि पैसा देके ही गया। तो दोस्तों ये चीज आपको समझनी है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगले स्टॉक की हम बात करते हैं, यहाँ पे लेके जाता हूँ। अगला स्टॉक है दोस्तों इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट में हमने 133.60 में बोला था कि शॉर्ट पोजीशन बनी है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। तो मैं अब दोस्तों इसके चार्ट पे लेके जाता हूँ, और इसके चार्ट पे दोस्तों समझते हैं इंडिया सीमेंट में, चार्ट पे मैं फटाफट से लेके जाता हूँ और यहाँ पे हम समझते हैं इंडिया सीमेंट में। दोस्तों देखेंगे कि हमने आपको जो शॉर्ट बताया था वो 133 रुपए के आसपास बताया था, और उसके बाद दोस्तों इसमें जो लो लगा है वो लगा है 130.65 रुपए का। ये देखिए ये इवनिंग स्टार पैटर्न था, ये देखेंगे इवनिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ इवनिंग स्टार पैटर्न था, यहाँ पे शॉर्ट बनता था, और उसके बाद देखो दोस्तों बीरिश कैंडल बनी और यहाँ पे 130 रुपए का लो बन गया, और उसके बाद भी ऊपर गया बट वापिस से नीचे आ गया, यानी कि इसमें भी स्टॉप लॉस नहीं कटा, और हमने सारी पोजीशन शॉर्ट में बनाई थी एक्सिस बैंक को छोड़ के, सब में दोस्तों टारगेट आए हैं, और निफ्टी क्या था 300 पॉइंट प्लस था, इसको दोस्तों ध्यान से समझिएगा। तो इसलिए कहता हूं दोस्तों हमेशा पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलिए, पैटर्न ही सब कुछ है, पैटर्न ही आपको पैसा देके जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक चीज होती है, आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे चलिए, टेक्निकल एनालिसिस को ही फॉलो करिए, ये नहीं कि निफ्टी प्लस है तो स्टॉक खरीद लेता हूं, निफ्टी माइनस है तो स्टॉक बेच देता हूं, इस तरीके से काम मत करिए। अगला स्टॉक मैंने बोला था आपको
कौन सा? मैरिको का 323 रुपए पे, 323 रुपए, 322 रुपए अस्सी पैसे का रेट चल रहा है। 323 पे हमने बोला था पोजीशन शॉर्ट और नहीं है किसमें, मैरिको में, तो मैरिको का चार्ट लेके जाते हैं और देखेंगे दोस्तों जहां पे हमने आपको शॉर्ट बोला था वो वहीं पे क्या हुआ, क्लोज हुआ है। और इसने लो कितना बनाया है दोस्तों, 318.50 रुपए के आसपास का, यानी कि 300 पॉइंट निफ्टी प्लस हुआ बट इसका स्टॉप लॉस नहीं कटा, तो इस बात को दोस्तों ध्यान से समझिएगा। इसके साथ साथ एक स्टॉक और है दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये है मैरिको, हमने बता दिया। इसके बाद एक स्टॉक और था दोस्तों जो मैंने अभी बताया नहीं, वो था बीपीसीएल का। बीपीसीएल में मेरा स्टॉप लॉस कटा था, जितने भी दोस्तों मैंने ट्रेड लिए थे उसमें सिर्फ एक स्टॉक था वो था बीपीसीएल का, बीपीसीएल में हमारा स्टॉप लॉस कटा था, बाकी सब में टारगेट आए थे। यानी कि दोस्तों निफ्टी 300 पॉइंट प्लस थी और अपने पोजीशन में शॉर्ट करके चल रहे थे तब भी दोस्तों हमारे टारगेट आए, सिर्फ एक स्टॉप लॉस कटा वो भी बीपीसीएल में, बाकी एक्सिस बैंक में टारगेट आया। इसके साथ साथ इंडियन सीमेंट में, इसके साथ साथ मैरिको में भी पैसे आए, इसके साथ साथ गोदरेज सीपी कॉस्ट टू कॉस्ट बंद हुआ, इसके साथ साथ एचडीएफसी लाइफ में भी पैसे आए। तो दोस्तों कहना ये चाहूंगा कि आपको निफ्टी को देखने की जरूरत नहीं है, आप स्टॉक देखिए, स्टॉक के पैटर्न देखिए, पैसा आपको जरूर मिलेगा और अपने पे थोड़ा सा भरोसा करके चलिए। अब एक चीज और है दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस 799 है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि उसमें मेरा खुद का 12 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो यूट्यूब पे आपको बताता हूँ वो मैं थोड़ा सा डिटेल में वहाँ पे बताता हूँ। इसके साथ साथ मैं सपोर्ट भी देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपना संडे का वेबिनार भी रखता हूँ, उसमें भी एक तरीके का डाउट सेशन होता है, उसमें भी मैं आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ और आप मेरे से फोन करके व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।